भारत और पाकिस्तान के बीच वैसे तो कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहे। भारत की दुनिया में बढ़ती ताकत और वर्चस्व को देखकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत से नए संबंधों को बनाने पर जोर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शासनकाल में भारत के खिलाफ इतने जहर उगले कि उसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने पाकिस्तान से बात बंद कर दी। लेकिन अब पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के साथ संबंधों को लेकर काफी अहम बयान दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने स्विट्जरलैंड के डावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारे संबंध भारत के साथ स्पष्ट रूप से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन एक दिन हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आएंगे। निश्चित रूप से एक दिन होगा जब हम अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने में सक्षम होंगे। न केवल कूटनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी भारत के साथ हमारे संबंध मजबूत होंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुधवार को कहा कि उन्हें एक ऐसे दिन की उम्मीद है जब उनका देश न केवल राजनयिक कारणों से बल्कि आर्थिक कारणों से भी भारत से जुड़ेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने जरदारी के हवाले से कहा कि बिलावल भुट्टो ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान और भारत के संबंध अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक दिन दोनों देशों के बीच काफी अच्छे रिश्ते होंगे। बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में दुनिया में भारत के बढ़ते कदम और ताकत को देखते हुए पाकिस्तान एक बार फिर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने पाकिस्तान से बात करना ही बंद कर दिया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।